नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको वॉश बेसिन के बारे में बताना चाहूँगा, घर के अंदर वॉश बेसिन कहाँ लगाना चाहिए। वॉश बेसिन टॉयलेट के अंदर भी लगाया जाता है और वॉश बेसिन घर की लॉबी के अंदर भी लगाया जाता है, यानी जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाई जाती है, जहाँ पर खाना खाया जाता है, वहाँ पर भी एक वॉश बेसिन की रिक्वायरमेंट होती है। और हर वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर, लुकिंग मिरर भी लगाया जाता है, यानी दर्पण भी लगाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें वॉश बेसिन को किस दिशा में लगाना चाहिए, इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां वॉश बेसिन लगेगा वहां पर दर्पण भी जरूर लगाया जाएगा, लुकिंग मिरर भी जरूर लगाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने घर की लॉबी के अंदर वॉश बेसिन लगाते हैं तो वॉश बेसिन आपको हमेशा ही ईस्ट वॉल पर या नॉर्थ वॉल पर या नॉर्थ ईस्ट भाग में ही लगानी चाहिए। वॉश बेसिन आप लॉबी के नॉर्थ वॉल से नॉर्थ ईस्ट की ओर और ईस्ट वॉल पर लगाते हैं तो ईस्ट वॉल से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाएं। यदि आपका प्लॉट डायगोनल है, यानी प्लॉट के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है और दूसरे कॉर्नर में ईस्ट आता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट वॉल पर, यानी नॉर्थ कॉर्नर से ईस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ ईस्ट वॉल पर आप कहीं भी अपना वॉश बेसिन और मिरर लगा सकते हैं। ऐसे ही अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने घर के टॉयलेट के अंदर वॉश बेसिन कहाँ लगाना चाहिए। वॉश बेसिन भी टॉयलेट के अंदर नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगाया जाता है। जब टॉयलेट के अंदर वॉश बेसिन लगाएं तो वॉश बेसिन नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाना चाहिए, यानी कि नॉर्थ वॉल पर लगाते हैं तो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाएं और ईस्ट वॉल पर लगाते हैं तो ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर लगाएं। यदि आपके यहाँ ऑप्शन नहीं बनती और आपका वॉश बेसिन वेस्ट वॉल पर आता है या साउथ वॉल पर आता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने वहाँ पर, यानी वॉश बेसिन के ऊपर, लुकिंग मिरर ना लगाएं। यदि आपके घर का साइज़ बड़ा है और आपने ओपन एरिया ज़्यादा छोड़ा हुआ है और आप बाहर के भाग में एक वॉश बेसिन लगाते हैं, तो वो वॉश बेसिन भी आपको नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाना चाहिए। ऐसे ही ईस्ट वॉल पर लगाएं तो ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही लगाना चाहिए और उसके ऊपर आप अपना लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। यदि आपने अपने यहाँ पर लुकिंग मिरर नहीं लगाना है तो आप अपने यहाँ वॉश बेसिन वेस्ट वॉल पर भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने यहाँ पर साउथ वॉल पर वॉश बेसिन को ना लगाएं, यानी घर के किसी भी हिस्से में साउथ वॉल पर वॉश बेसिन को ना लगाएं। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जहाँ आप अपना वॉश बेसिन लगाते हैं, वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगाते हैं, तो मिरर आपको बिल्कुल सिंपल लगाना चाहिए, यानी डिज़ाइनदार मिरर नहीं लगाना चाहिए। मिरर आपका स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। आजकल डिज़ाइनर मिरर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मिरर लगाएं, मिरर का फ्रेम भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपके यहाँ मिरर लगा हुआ है, लुकिंग मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, वो आपका ख़राब हो गया है या कहीं से किनारी टूट गई है या उसकी पॉलिश ख़राब हो गई है और उसके अंदर धब्बे बन गए हैं, निशान बन गए हैं, तो मेरा अपना ये मानना है, मेरी अपनी प्रैक्टिस ये कहती है कि आपके यहाँ बेवजह के झगड़े बने रहते हैं। आप अपने झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मिरर को ज़रूर बदलें। जिस रूम के बाथरूम में डिज़ाइनर मिरर लग जाता है, लुकिंग मिरर लग जाता है, उस रूम में रहने वाले पति पत्नी आपस में ज़रूरत से ज़्यादा झगड़े करते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ से डिज़ाइनर मिरर को ज़रूर हटाएं और अपना बिल्कुल सिंपल मिरर लगाएं, लुकिंग मिरर लगाएं। और ध्यान रखें, मिरर जो लगाएं वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर फेस ना तो मोटा दिखना चाहिए ना ही पतला दिखना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भी फेस नज़र नहीं आना चाहिए, यानी लुकिंग मिरर की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, जैसा चेहरा आपका वैसा उसके अंदर प्रतिबिंब में दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है, ये वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी है। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप मेरी इस वीडियो को जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।